हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका निवांशी टेरिस गार्डन में। तो फ्रेंड, आप देख रहे हो ये है खूबसूरत सीजनल पौधा डाइंथस। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में हमें इसे कैसे देखभाल करनी चाहिए ताकि हमारे पौधे पूरे साल भर बने रहे और अगले साल भी हम इससे अच्छे से फ्लावरिंग ले सकें। तो सबसे पहले हमें इन पौधों की जो भी ब्रांचेस सूख गई है या डेड हो गई है उन्हें डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप या कैंची से भी कट कर सकते हो या फिर अपने हाथों से भी इसे कट कर सकते हो। इससे दो फायदे होंगे, हमारा पौधा अच्छे से घना बुशी भी बन जाएगा, न्यू ब्रांच भी निकल के आएंगे और पौधा अच्छा ग्रीन दिखेगा। नहीं तो ये फूल भी नहीं आते हैं। अगर हम सूखे हुए फूल या ब्रांचेस कट नहीं करते तो हमारा पौधा घना भी नहीं होता, अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होती है और फ्लावरिंग भी नहीं होती है। और हमें अगले सीजन के लिए इसे बचाना है, इसलिए आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हो। गोबर की खाद का जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हो, अभी हम गर्मियों में जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी डाल सकते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से सर्वाइव कर सके। और सबसे बड़ी बात तो हमें इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना ज़रूरी है ताकि ये डायरेक्ट धूप में ना आए और पौधा ख़राब ना हो जाए और मरे नहीं। हमें इसे बचा के रखना है ताकि अगले सीजन तक ये अच्छे से सर्वाइव कर सके। और डाइंथस के जो भी फूल सूख जाने के बाद उसमें जो भी बीज बनते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो बीज से अच्छा मुझे लगता है कि हम कटिंग से अपने पौधों को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपना पूरा पौधा साफ कर लेना है और पानी का भी खास ध्यान रखना है। अगर मिट्टी सूख जाए तभी हमें पानी डालना है, नहीं तो पौधा ख़राब हो सकता है। और आप देख सकते हो मैंने ये कटिंग से तैयार किया है, इसी के पौधे दो तीन कलर मिक्स है इसी में। तो इस तरह से आपको जब भी मैं कटिंग करती हूँ, डेड हेडिंग करती हूँ या फिर वो ब्रांचेस कट करती हूँ तो मिट्टी में दबा देती हूँ और उसी से मेरे पौधे भी तैयार हो जाते हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये वैसे ही पौधे हैं, मैंने कटिंग लगाई थी तो। और अभी इसे रिपोर्ट भी करूँगी मैं। और ये देखिए छोटे से पॉट में लगे हुए हैं और ये पूरे सीजन से चल रहे थे, मतलब फरवरी से है हमारे पास ये पौधे। तो इनकी भी रूट बाउंडिंग हो चुकी होगी, तो आप इसे भी फिर से रिपोर्ट कर सकते हो बड़े गमले में या फिर वही गमले में आप थोड़े से रूट की कटिंग करके। तो ये देख सकते हो मेरे पुराना पॉट है, उसी की मिट्टी है, इसमें सैंड है, राइसस की राख है, गोबर की खाद है, मिक्स किया हुआ है। तो ये जो मैंने कटिंग लगाई थी इसी को इसमें रिपोर्ट कर दूंगी मैं। और अभी कोई दूसरा केमिकल वगैरह खाद नहीं डालती हूँ मैं अभी इसमें, जो भी मैं गोबर खाद का फर्टिलाइज़र बनाऊंगी या ठंडी खाद जो भी बनाऊंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र वो इसमें डाल दूंगी बाद में। और सबसे बेहतर होता है फ्रेंड, हमारा पौधा मरे नहीं, सूखे नहीं, बचा रहे, इसके लिए आपको इसमें लकड़ी की राख जो होती है उड़ियास, उसको पानी में डाल के हमें वो फर्टिलाइज़र इसमें डालना है ताकि हमारे पौधे अच्छे से सर्वाइव करें, मरे नहीं, बल्कि पूरे साल भर फूल ही देते रहे। आप याद रखिएगा कि बहुत ही अच्छी होती है लकड़ी की राख, उसमें पोटैश की मात्रा भी होती है और फंगस नहीं लगने देती हमारे पौधों को, कीड़ों से भी बचाती है। तो आप डाइंथस में एक बार ज़रूर, महीने में एक बार एक चम्मच एक लीटर में लकड़ी की राख डाल के आप पौधों में ज़रूर डालिए। और ये देखिए मैं फिर से आपको बताऊंगी किस तरह से हमें कटिंग लगाना है। तो मैंने ये छोटे से पॉट में लिया है, सैंडी सॉइल है ये, और ये थोड़े थोड़े मैंने छोटी छोटी कटिंग ली है और मिट्टी में इस तरह से दबा देना है और ऊपर से ऐसे पानी डालना है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे कटिंग सड़ सकती है। और जो भी बड़े बड़े पौधे होते हैं उनके नीचे हमें रखना है ताकि धूप ना लगे इन्हें और हमारी कटिंग अच्छे से लग जाए। तो आप भी इस तरह से हमें पानी डालना है और अपने बड़े पौधों के नीचे रखना है फिर।
तो इस तरह से आप भी अपने डायंथस के पौधे की केयर कर सकते हो। समर में अपने पौधों को ज़रूर बचा सकते हो ताकि पूरे साल भर हम इनसे अच्छे से फ्लावरिंग ले सके। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड, और अपने डायंथस को बचाने की ज़रूर कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में हम अपने पौधों को अगर अच्छे से देखभाल करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं तो हमारे पौधे पूरे साल भर भी हमारे पास बने रहेंगे।